है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा आपको पता है, मेरा इवनिंग से स्टार्ट है ये मेरा ब्लॉग, और मैंने अपना इवनिंग से स्टार्ट कर रखा था गाइस ब्लॉग, तो मैंने कल ना बनाया नहीं था क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइस। और माई कितनी खुश हो रही है, आपको ना किंडर जॉय दिखा रही है। बोलो गाइस, आप भी खा लीजिए। आप भी खा रहे हैं? जाओ, और शैतान है ये। अभी उठी है और मानसी भी, मानसी सो रखी है, ये देखिए मानसी सोई हुई है अभी। और अभी 10 बजे हैं, दूसरे रूम में है, घड़ी लगी हुई है, अभी आपको दिखाऊंगी। और जी तो दूसरे रूम में सोया हुआ है और हस्बैंड चले गए हैं साइड पर, तो चलते हैं गाइस। और आज मैंने सारा सुबह का पूरा क्लीन वगैरह खाना मैं रोज डेली बना देती हूँ सुबह ही, और देखती हूँ आज। और हाँ गाइस, आज रेसिपी में बना रही हूँ मैं सूजी का गुलाब जामुन, तो ज़रूर बताना आपको कैसी लगेगी आज की रेसिपी। और तो चलिए गाइस, पहले बना लेते हैं सूजी के गुलाब जामुन। ग्राइंडर में इसको वो कर लूँगी, पीस लूँगी, क्योंकि ये ना गाइस बारीक हो जाएगी ये वाली ना, क्योंकि अगर हम मोटे मोटे से हम बनाएंगे तो ये जो हमारे गुलाब जामुन है ना बिल्कुल ना एकदम महीन नहीं होंगे, और मतलब बारीक जैसे नहीं होंगे। और जब हम ऐसे करके बेलेंगे ना उसको, तो वो फटेंगे गाइस, इसलिए हम इसको यहाँ पर ग्राइंडर करेंगे। तो चलिए ग्राइंड करते हैं। तो गाइस ये मैंने बारीक कर ली है, ये देखिए। तो गाइस अब मैं चढ़ा लूँगी यहाँ पर कढ़ाई, गैस को कर लूँगी ऑन, देखिए। तो गाइस कढ़ाई में हम, आप घी से बना सकते हैं या रिफाइंड से, तो मेरे पास अभी घी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास रिफाइंड है। तो गाइस आप ना नॉन स्टिक बर्तन हो तो और भी ठीक है, तो मेरे पास नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं है, तो मैं इसमें सारा फैला लूँगी जिससे कि हमारी सूजी जलेगी भी नहीं और अच्छे से मतलब दूध में पकेगी, चिपकेगी नहीं गाइस। सारे में हम अच्छे से पूरे कढ़ाई में लगा लेंगे पूरा अच्छे से, और अब डालेंगे इसमें हम दूध। तो गाइस इसमें हमने आधा लीटर दूध लिया है ये, और इसका गाठे ना बने एकदम। ये देखिए बिल्कुल गाठे नहीं बन रही है, एकदम अच्छे से बन रही है। तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा मावासी लग रही है ना एकदम, पूरी मावे जैसी हो जाएगी। और आप कहो कि इसमें जो दूध का पाउडर आता है ना वो भी हम मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, बट कोई डालने की जरूरत नहीं। मेरा सजेशन तो ये है कि आप बिल्कुल ना डालें, आप ऐसे ही करके पकाएंगे तो और भी अच्छी रहती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, तो प्लीज़ ज़रूर आप ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो मैं कर दूँगी यहाँ पर गैस ऑफ़, और बस इसको ठंडा होने के लिए मैं उतार लूँगी यहाँ पर, और ज़्यादा गाइस ठंडा नहीं करना है, जैसे कि बस हमें इसमें हल्के हल्के गुनगुना रहना है, तभी हमें इसमें गोल गोल करके बनाना है, तो हमें गरम गरम ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए गाइस दूसरे प्रोसेस कर लेते, तब तक इसको ठंडा करने रख देते हैं, और तब तक मैं चाशनी रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए, तो गाइस मैंने ये 1.5 गिलास पानी लिया है गाइस, और इसमें मैं 2 कटोरी मेरी सूजी, तो मैं 2 कटोरी ही इसमें चीनी डालूँगी गाइस, इसमें परफेक्ट चाशनी एकदम अच्छे से बैठेगी। और इसमें मैं डालूंगी ये इलायची के टुकड़े हैं, ये इलायची मैंने ऐसे ही कर लिया था, आप पाउडर में का पाउडर अवेलेबल नहीं है अभी जैसे आपको पता है लॉकडाउन में गाइस, तो मैंने ये डाल लिया है अच्छे से, इसको हिला दूँगी, इसको चला दूँगी गाइस मैं अच्छे से, और ये पक्के हमारी हो जाएगी रेडी अच्छे, तब तक ये पकेगी धीमी आँच पर ही पकाऊँगी इसको गाइस में। और चलिए, और मैं इसको जो गुलाब जामुन है इसको थोड़ा सा फेंटूँगी, तब इसके ना गोल गोल करके मैं बनाऊँगी। और गाइस हमें ना इसको चाशनी को चिपचिपा नहीं, जैसे कि एक तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें, और हमें ना एकदम जैसे हाथ पर शहद चिपकता है ना, तो उस टाइप में हमें इसको बनाना है गाइस, जिससे कि हमारे गुलाब जामुन में अब्जॉर्ब हो जाए ये। तो हमारी जब तक ही बनती है तब तक मैं देखती हूँ। तो गाइस मैंने ये निकाल लिया है, और ये देखिए बन गया है ना हमारी तरह।
इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको अच्छे से कटेंगे इसको हम गरम गरम ही करना है इसको। देखिए हाथ जल रहे हैं बहुत, क्योंकि गरम गरम में हम करेंगे ना गाइस तो गुलाब जामुन भी हमारे अच्छे से बनेंगे और मुलायम रहेंगे खाने में अंदर, क्योंकि जो वो हार्ड हो जाते हैं ना, हार्ड नहीं होंगे गाइस। तो इसमें ना कोई मावा मिलाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, जैसे कि हम सोचेंगे कि इसमें तो दूध भी पकाई है गाइस, कि इसमें कोई मावे का काम नहीं है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस आप, बहुत अच्छी लगती है खाने में। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें तो परफेक्ट है। सजेशन मेरा यही है कि कम चीज़ में कम खर्चे में घर की चीज़ बनाइए तो ही अच्छा है। और देखिए बच्चों की फरमाइशें तो आजकल बहुत चल रही हैं, तो मैं तो आजकल यही करती हूँ बच्चों के लिए, कुछ खाते भी अच्छे से हैं बच्चे। चलिए थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, हल्का सा 2 मिनट के लिए ठंडा होने दूँगी इसको, तब इसको मैं गोल गोल बनाऊँगी, बॉल्स बनाऊँगी। चलिए गाइस पहले मैं बॉल बना लेती हूँ ये, और मैंने पैन भी चढ़ा लिया है क्योंकि इसको मुझे लो फ्लेम पे करना बिल्कुल। हाथ में लगाएंगे ऑयल, और जैसा आप अपने अकॉर्डिंग बनाए ऐसे आप ये देखिए, मैं भी दिखाऊंगी, एक दिन ही फटेगा, बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए बने हैं ना, कहीं फटे नहीं होंगे, ये देखिए अच्छे है ना। तो चलिए इस तरीके से और बना लेती हूँ मैं सारी बॉयल, तो बना के रख लेती हूँ, बना रखती रहूँगी और इनको ना फ्राई करती रहूँगी। तो गाइस मैंने ऐसे करके बॉल्स बना दिए हैं देखिए, तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं पहले। तो पहले गाइस एक छोड़ के देखते हैं, और मैंने ये ऊपर आएगा तो समझो हमारा तेल पूरा अच्छा है। और तो चलिए फ्राई कर लेते हैं, तब डाल लेते हैं। और इनको चम्मच गाइस बिल्कुल नहीं लगानी है, लो फ्लेम पे बिल्कुल ऐसे ही पकते रहना है इनको। ये देखिए बस इसको बस थोड़ा सा यूं करके हिलाना है ऐसे, चम्मच लगाएंगे तो ये फूटेंगे नहीं, थोड़ा नीचे से लग जाएंगे, इसलिए जब तक ब्राउन नहीं होते तब तक आप ऐसे ही इसको ऐसे पकने दें। तो चलिए दूसरे मैं और बना लेती हूँ, तब तक ये होते हैं। और इनको गाइस ना चम्मच बिल्कुल नहीं लगानी, ऐसे करके हिलाना, देखिए लग नहीं लग रहे हैं ना बिल्कुल, एकदम फ्राई अच्छे से और फूल भी रहे हैं ये, बस इसको दो एक दो बार ऐसे हिलाना है। तो गाइस चलिए इनको मैं निकाल लेती हूँ, और ये देखिए अच्छे से पक गए हैं ये। ये देखिए गाइस बने ना अच्छे एकदम, तो मैं इनको इसमें डाल दूँगी थोड़ा। तो चलिए वो डाल देती हूँ मैं इसमें, पक जाएंगे हाथ थोड़े से, ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालने गाइस, थोड़े थोड़े डालने, क्योंकि ज़्यादा डालने तो ये चिपक जाएंगे। तो मैं कर दूँगी ऑन, और इसमें एक उबाल आने देंगे, तो देखिए बस बंद कर देंगे इसको गाइस। ये देखिए और इनको मैंने इनको पूरा डाल दिया है, और अब मैं इनको 10-12 मिनट लिए रखूँगी, और देखिए एक भी फटा नहीं है बिल्कुल भी गाइस। इनको मैं ढक करके रख दूँगी, तब जाके बच्चों को दूँगी, और आप भी आ जाइए खा लीजिए। तो चलिए तो गाइस मैंने निकाल लिए बच्चों के लिए, ये देखिए, और इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर कुछ ये लगा दूँगी ड्राई फ्रूट, बना के जरूर ट्राई कीजिए, जरूर बताना आपको मेरे आज के कैसे लगे हैं। और मैं दिखाती हूँ देखिए कितना अच्छा बना है ना, ये देखिए बने हैं ना एकदम अच्छे से। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने यम्मी बने हैं सूजी के गुलाब जामुन, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
तो गाइज आप भी ज़रूर ट्राई करके बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मोना माई को मैं दे दूँगी यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि बहुत बेसब्री से वो इंतज़ार कर दी दोनों बहनें। तो गाइज अगली वीडियो में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहें, अच्छे रहें।